पीलीभीत में भाजपा नेता ने जिला पंचायत सदस्यों पर जमकर दबंगई दिखाई, सरेआम गाली गलौज की, साथ ही उठा ले जाने की धमकी दी। सत्ता परिवर्तन के बाद पीलीभीत के अध्यक्ष जिला पंचायत के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद यही दबंगई दिखाने वाले भाजपा नेता बौखला गए हैं। भाजपा नेता अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे और जमकर सदस्यों की खरीद फरोख्त की थी। जब अविश्वास प्रस्ताव गिर गया तो दिए गए पैसे वसूलने के लिए यह भाजपा नेता दबंगई दिखा रहे हैं, जबकि सदस्य पैसा लेने की बात से लू कर रहे हैं। गौरतलब है कि अप्रैल माह में 19 सदस्य जिला पंचायत की खरीद फरोख्त करके जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, उनमें से कई सदस्य ज्यादा प्रलोभन के चलते अध्यक्ष के पक्ष में आ गए और इसी के चलते 22 मई को वोटिंग के दौरान कोई सदस्य नहीं पहुंचा और अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद जिला पंचायत की पहली बैठक थी, सभी सदस्य बैठक में आए हुए थे। इसी दौरान भाजपा नेता रत्नेश गंगावर दर्जनों दबंग समर्थकों के साथ आए और जिला पंचायत का घेराव किया और जिन सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पैसे लिए थे उनको भड़काने लगे और गाली गलौज करने लगे। इतना कुछ हो गया लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना रहा।